मार ले मार ले। मैंने चोरी तो मेरा हुआ, मेरे बच्चे कौन है? तेरे बच्चों को मैं रख लूंगा। खड़ी हो खड़ी हो। मैं नहीं, हाथ छोड़ दो मेरे, पहले मैं अपने उड़ दूंगी। खड़ी हो, मेरा हाथ छोड़ दो। बच्चों को मैं रख लूंगा, तू जा। देख तेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, तू भी शादी कर सकती है, तू जा दूसरी जगह, बच्चों को मैं रख लूंगा। ठीक है, क्यों रख लोगे बच्चों को? बच्चे, अरे गुरुजी ऐसे कैसे, मैं उसको तलाक दे दूंगा एक बार में, आप समझो ना। आप नहीं दे सकता गुरुजी, मैं ऐसे उसको तलाक यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबके दोस्त आपका भाई बिल्कुल ठीक है, मस्त है और फुल ऑन मजा मार रहा है, घूम के आ चुके हैं गाइस। और क्या कहते हैं भाई, अभी लेना है सबसे पहले परी को, फिर लेना है मेरी भुआजी को, क्योंकि मेरी भुआजी आ गई हैं, तो उनको भाई लेके आना है वहां से राजीव चौक से, क्योंकि जो जिनके साथ आ रही है वो राजीव चौक पे ड्रॉप कर देंगे उनको, तो वहां से लेके आना है उनको। और प्लस में कल भाई दीदी आएंगे हमारी भात नोतने के लिए, क्योंकि जो मेरी भुआजी की बेटी है वो आएंगी कल भात नोतने के लिए, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट्स कर रहे हैं एक बार, तो अपना करना है। और प्लस में भाई हमें जाना है आज शादी में, तो शादी में जाना है, वो भी हमारे बहुत क्लोज है, तो पूरी फैमिली जाएगी वहाँ भी। सबसे पहले परी को लेते हैं, भुआजी को लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। परी तेरी मौज है यार, रोज की रोज स्कूल से कभी चॉकलेट लेके आएगी, कभी कुछ लेके आती, कभी किसी का बर्थडे होता है, कभी कुछ होता है, तेरी मौज आ रही है फुल, है ना। अब चॉकलेट खा रही गाई जी, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है, तो इसके स्कूल से भाई मिली है चॉकलेट, और भाई फुल मौज है इसकी। और भाई सुबह सुबह का बाहर का दिखाऊं ना, सुबह तो क्या भाई 12 बज रहे हैं और फोग इतनी एक्सट्रीम है गुड़गांव में, मतलब मेरी भी समझ से बाहर है फोग है या पोल्यूशन है। ये देखो, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि आपको कैमरे में दिख रही होगी, बट भाई फोग है, सामने वाली बिल्डिंग देख लो कितनी विजिबल है, उससे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, पर भाई फोग तो अच्छी खासी है। हेलो, हाँ जी गुरु जी, नमस्कार नमस्कार गुरु जी। अच्छा तो मेरी कुंडली में क्या बताया? अच्छा, अरे गुरुजी ऐसे कैसे, मैं उसको तलाक दे दूंगा एक बार में, आप समझो ना। आप नहीं दे सकता गुरुजी, मैं ऐसे उसको तलाक यार, वो तो मुझे पता है। चलो आप यूँ कह रहे हो, तेरी जिंदगी में दिक्कत आ रही है, जो लॉस हो रहा है सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, पर तलाक मैं उसको सीधे जाके यूँ कैसे कह दूँ मैं तेरे को तलाक दूंगा? लड़की कहाँ से आएगी उसके लिए, दूसरी शादी के लिए? अच्छा बात अपने आपने बता दिया उसको सारी चीज़ के, भाई दो बच्चे ऐसे ऐसे है, सारी चीज़ें बता दी आपने उसको, मान गई वो? अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मान। अरे नहीं, इसका तो मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा कुछ भी, आप उससे सारी बात करके रखना, कोई दिक्कत ना हो कल को हमें भी आगे चल के कोई दिक्कत आए। हाँ अरे गुरुजी सुन ली उसने तो सारी बात, अब क्या करूँ? अब वो तो मुझे पता है मेरी परेशानी है, मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है ठीक है, नमस्ते गुरुजी। किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? गुरुजी से बात कर रहा था, और किससे बात कर रहा था? कौन गुरुजी है? अब देख तूने सारी बात सुन ली ना, मेरे को देख इस चीज़ के ऊपर कोई बहस नहीं करनी भाई। देख सीधी सी बात है, जो तू अपने दहेज में लाई थी वो पैसा हमारा सारा लग चुका है, खर्चा बहुत हो रहा है बच्चों पे, बिल्कुल मतलब अंधा खर्चा हो रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो बच्चे के मैं अपने घर से लाई थी क्या? कोई सेंस है इस बात की? मेरी बात सुन ले पहले तू, मैं जो कह रहा हूँ सीधी सी बात है भाई। देख मैं अब और नहीं रख सकता तेरे को, मैं तेरी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानी आ रही है। गुरुजी ने मेरी कुंडली देखी है, कुंडली में साफ लिखा हुआ है कि तेरी वजह से मेरे यहाँ मतलब जिंदगी में लॉस हो रहा है। अच्छा कौन गुरुजी है वो? मेरे गुरुजी हैं। कौन गुरुजी है? तुझे क्या करना है उससे, कौन गुरुजी है? कोई भी कुछ भी आगे बकवास करेगा तो आप ये सब कहोगे? कौन वो गुरुजी है? परमात्मा है, वो बकवास नहीं कर रहे, वो ठीक है, वो जिंदगी के ऐसे गुरुजी बहुत घूमते हैं घर के बाहर, 10 आते सुबह शाम तक। मैं तो तेरे को कह रहा हूँ वो बात सुन, वैसे तो ऐसा भी पॉसिबल है, तू अगर तू उसके साथ रह ली, पर रहेगी कैसे जब तक तू मेरे को पता चलेगा किसके साथ रह लूं? क्या बकवास कर रहे हो आप? सारी बात तो तेरे को पता चल गई, बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं सारी बात तो तेरे को पता चल गया, अब तो मैं वैसे भी तुझे नहीं रख सकता, रात को तू मुझे जहर दे दे कुछ भी दे दे तो तेरा क्या भरोसा है? तुझे पता चल गया बदला तो तू निकालेगी अपना, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। जहर दे दूं? क्या बकवास कर रहे हो आप? जब मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो तेरे को देगी नहीं मेरे को जहर? तू ऐसे कैसे, ऐसे कैसे शादी कर लोगे दूसरी आप? मेरे को करनी पड़ेगी। बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों को मैं रख लूंगा, तू जा। देख तेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, तू भी शादी कर सकती है, तू जा दूसरी जगह, बच्चों को मैं रख लूंगा। ठीक है, क्यों रख लोगे बच्चों को? बच्चे रह लेंगे, मैं रख लूंगा बच्चों को। एक सेकंड दे मेरे को, एक सेकंड दे, हटना। क्या हटना? कहां फोन कर रहे हो ये? कहां कर? एक सेकंड दे दे मेरे को।
गुरु जी आज ही निकालूं, मतलब आज का मुहूर्त ठीक है इसको निकालने के लिए, अब एक दो दिन रुक के निकालूं? इसने सुन लिया मेरे को, अब देखो मैं इसको रख तो सकता नहीं, पता मेरे को जहर दे दे कुछ भी दे दे तो मैं रख तो सकता नहीं इसको। जैसी आपकी बात है ना वैसे तो मैं आपको अभी दे दूंगी। हाँ जी हाँ जी ठीक है गुरु जी, हाँ ठीक है गुरु जी, अभी ठीक है गुरु जी, नहीं अभी हाँ सामान तो बाद में भिजवा दूंगा गुरु जी, मैं इसको अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ अभी मुहूर्त ठीक मुहूर्त है ये, ठीक है गुरु जी मैं अभी निकाल देता हूँ इसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है गुरु जी, ठीक है गेट खोल दे, मैं बता रहा हूँ गेट खोल दे, जाना पड़ेगा तुझे, गेट खोल दे मैं बता रहा हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे हाथ छोड़ दो, मैं कह रही मेरे हाथ छोड़ दो, मैं नहीं जा रही कहीं, छोड़ दो मेरा, यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चल अपने घर, तो तुझे जाना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ? तुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही कहीं भी। तुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मेरे हाथ छोड़। कैसे नहीं जाएगी? मेरे हाथ कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी अपने घर? मेरे हाथ छोड़ दो, बता रहे हो तू मुझे मार देगी अगर मैंने तुझे यहाँ रखा तो, रात को जहर देके मैं तुझे नहीं रख सकता। अब जैसे काम आप कह रहे हो कर ही दे, कर देना चाहिए मुझे। मार ले। मैं नहीं जा रही, तो मेरा वो मेरे बच्चे कौन है? तेरे बच्चों को मैं रख लूंगा, खड़ी हो। मैं नहीं, हाथ छोड़ दो मेरे, पहले मैं अपने उड़ दूंगी। खड़ी हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खड़ी हो, तलाक तो तुझे दे के रहूंगा मैं, खड़ी हो। बुझो रुक जाओ ना, क्या है? अरे क्या है? तो तू अपने घर से जो लाई थी वो पूरा पैसा खर्च हो गया ना, रो के क्या दिखा रही है? तो आप ऐसे फोन करते हैं, फोन करते ऐसा, पैसा खत्म हो गया तो फिर डिवोर्स दे दो, फोन करते हैं? मैं पैसों का लालची आदमी मैं, वो तो मुझे पहले दिन से पता है आपको कितने लालची हो आप। अच्छा सुन, रो मत, मजाक कर रहा था, सीरियसली। उधर देख, एक बार देख तो सही, एक बार तो देख, मुझे नहीं दिख रहा, एक बार देख, देख तो सही, मजाक कर रहा था, देख। अरे यार ये देख, ओए इधर देख, मजाक कर रहा था, देख तो सही यार। क्यों हटा लो, दे दूंगा असली में तलाक फिर। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को बाबा जी वाला प्रैंक? अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और भाई बताना जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को। भाई मैंने अपनी पूरी एनर्जी डाली, आज मैं इसको तलाक दे भी देता पर मेरे को डाउट है, मैं निकाल भी आज ही देता इसको, पर सही में अगर इसने मेरे को सच में जहर दे दिया तो ये तो बात सोचने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करके जाना, और थोड़ा सा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा वो दिखाओ यार, जब भी तो इतनी मोटिवेशन मिलेगी यार, इतने टाइम से आप लोगों का साथ है, सारी चीज़ें वो साथ आगे तक निभाओ और प्यार दिखाओ। और अगर आपको चाहिए कि इसको सही में घर से कमेंट कर देना, कल से यहाँ दिखेगी नहीं आपको इस घर में। तो गाइस हम लोग सारे भाई एक बार फ्रेश फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के निकल गए हैं आगे के लिए। आगे अभी जाएंगे भाई मॉल रोड पे, क्योंकि हमने ऊपर लिया था थोड़ा सा होटल, क्योंकि भाई यहाँ से व्यू बहुत प्यारा था, और अभी जहाँ से हम जा रहे हैं ना यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, मतलब जैसे जो हम मूवीज में देखते हैं ना वो वाला सीन है यहाँ पे देखने में, बड़े मतलब अच्छा फील होता है, मतलब भाई लड़के बिल्कुल। तो भाई को तो उसकी याद आ गई, पता नहीं कौन सी मूवी की, तो बता रहा सलमान खान की, कौन सी मूवी थी वो, हाँ ये भाई प्यारा सा रास्ता यहाँ से जाने का, और ये बड़े बड़े पेड़ है, फोटो बनती है पेड़ दिख रहे हैं तो यही है, तू तीन दिन कितनी फोटो करवाई है। तो भाई गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, वो भी पेड़ वाड़ी में, क्योंकि भाई पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं है यहाँ पे। भाई ये चीज बहुत बेकार लगी मेरे को यहाँ की, क्योंकि हम बिल्कुल सही रास्ते से आ रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे कि गलत आ रहे हो, पर चलो कोई नहीं भाई, उनका एरिया है उनकी जगह है, कल्लू यहाँ बहस नहीं कर सकता, निकल लू छेद देगा यहीं। तो गाड़ी लगा दिया यहीं पेड़ पार्किंग में, और अब चलेंगे भाई ऊपर खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको लग रही है भूख बहुत तेज वाली। तो वैसे हम लोग आ गए अब मॉल रोड पे, और भाई यहाँ का मॉल रोड, और यहाँ पे भाई आप अपना खा पी सकते हो, कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ों के ऑप्शन है। अभी सुबह का टाइम है तो सारी शॉप्स वगैरह खुली नहीं है, थोड़ी सी कम है, बाकी
वेदर बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि ठंडा वेदर है बिल्कुल भाई। जैसे दिख रहा होगा सबने भाई जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है, मतलब जितने हमारे वहाँ जनवरी में ठंड पड़ती है उतनी ठंड पड़ रही है अभी। और यहाँ से भाई आपको ये होटल है, इसके पीछे से भाई आपको मिलेगी परमिशन अगर आपको जाना है रोहतांग पास या उससे ऊपर के लिए, जो कि पहले मिलती थी, SDM ऑफिस पहले यहीं था। अभी भाई आपको परमिशन वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सीधा जा सकते हो अभी, क्योंकि अटल टनल बन चुकी है। तो भाई फिर से हम यहाँ से निकल गए अभी मनाली से, ऊपर जा रहे हैं अभी रोहतांग पास और अटल टनल के लिए। और सुरेंद्र भाई हमारा बता रहा है कि ऊपर सरचू पास के वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी देखने के लिए, तो देखते भाई वहाँ पे बर्फ़ मिलती है नहीं मिलती। बाकी रोड थोड़ा सा पहले से अच्छा बताया है, जब मैं लास्ट टाइम आया था जब दूसरे रोड से गया था ऊपर, इस बार भाई पहली बार मैं अटल टनल से जाऊँगा, तो देखते हैं रोड कैसा मिलता है अभी वहाँ पे हमें। गाइज रात का बाहर का कुछ नज़ारा, ये मेरे रूम से नज़ारा है कुछ। इधर तो मेरा टीवी ऑन है ना, इस वजह से इसकी वो आ रही है पूरी। बाकी ये नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी नीचे जाएंगे दोबारा से, क्योंकि डिनर भी करना है, कुछ सामान भी खरीदना है नीतू वगैरह के लिए, मम्मी के लिए, उनको भी लेना है भाई अपनी फैमिली के लिए। और भाई वहाँ से आते के साथ ही मैं सो गया था भाई रूम पे आके, क्योंकि बहुत बुरी तरह थक गया था भाई, जिसको बहुत बुरी तरह कहते ना वो थक गया था। तो भाई बढ़िया नींद ली अभी भाई, बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। अब चलेंगे बाहर, उन लोगों से मिलते हैं पहले, वो तो भाई सो ही रहे हो, उनको उठाते हैं पहले फटाफट। उससे पहले अपने लिए बनाता हूँ भाई मैं कुछ चाय कॉफ़ी बढ़िया सी, क्योंकि मेरे को लग रही है भाई भूख, और बाहर से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। तो गाइस भी हो चुका है आपको भाई एक बार फिर से रेडी, अभी जा रहे भाई मार्केट, मार्केट के लिए भाई फुल ऑन रेडी हैं, और मार्केट चल के फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस कुछ रात का मॉल रोड का नज़ारा, और भाई अब भीड़ हो गई है, दिन में इतनी नहीं थी जब हम आए थे, अब होगी है। तो पहले लेंगे कुछ, सबसे पहले तो लेंगे गाइस बेल्ट, क्योंकि मेरे पास बेल्ट नहीं है, और बेल्ट मैं गलती से भूल गया, और नीतू भी रखनी भूल गई, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी थोड़ा सांस चढ़ रहा है, क्योंकि पार्किंग नीचे गाड़ी खड़ी करके आए, और उसके बाद पैदल चढ़ गए हैं ऊपर इस वजह से। तो गाइस ये कर लिए मैंने शॉपिंग, जो मम्मी के लिए मैंने सूट लिए हैं, मम्मी और नीतू के लिए दोनों के लिए ले लिए। अलका के लिए मैंने जान के नहीं लिया, क्योंकि वो सूट पहनती नहीं है, उसके लिए मैं अभी कुछ और देख रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ मिल जाए जो कि वो ले ले। बाकी चलते हैं भाई, वो लोग मेरा वहाँ वेट कर रहे हैं, आगे कहीं बैठे हैं, मेरे को ये नहीं पता। ये मिलते थे गाइस यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे गुलाब जामुन, और ठंड के मौसम में भाई अलग ही मज़ा है। यहाँ गोलगप्पे खाए हम लोगों ने भाई, ये बहुत टेस्टी थे। ये आके भाई फिर हम नीचे, यहाँ पे हमने भाई देखा कि बढ़िया बढ़िया क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं मीठे में, जो ऑप्शन है ठंड के मौसम में, दूध के साथ जलेबी, गुलाब जामुन या गर्मा गर्म हलवा। और इधर भाई पूरी मार्केट थी, पर मज़ेदार थी भाई, मतलब ठंड के मौसम में घूमने में एक नंबर का मज़ा आ रहा था। ये देखो गाइस यहाँ इतना अंधेरा था ना, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे, अगर सोचो तुम गाड़ी में अगर हम पैदल कैसे जाते हैं यहाँ पे, कोई तेंदुआ वेंदुआ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उठा के लेके भाग जाए, मतलब मजाक की बात है, ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने घर में फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबके दोस्त भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। और ये आ चुका है हमारा बेस्टी कल्लू। कल्लू कब है यार, सबको हाय बोलो एक बार। ये लोग बहुत अच्छे हैं। कहां अब कहां? मैं चेंज कर रहा हूं, क्यों भाई साहब, दिन में कम से कम 10 बार कपड़ा बदला कि ये मेरे पे अच्छा लग रहा है। पता क्या, अभी यहाँ पे कपड़ा इसने चेंज करा, दूसरा रूम में गया वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि बढ़िया लग रहा, फिर चेंज कर रहा है। ये देखो इन कपड़ों में बुराई क्या है, इधर ये कर लो, दिखाइए एक बार अपने कपड़े, इनमें बुराई क्या है, फिर दोबारा चेंज क्यों कर रहा है तू? तो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का कुछ मस्त सा नज़ारा। ये है भाई कुछ मस्त वाला नज़ारा रूम का, सबसे बढ़िया तो मेरे को इसलिए यही लगता है कि रूम का नज़ारा बहुत है। पहले भाई यार दूसरे वाला रूम ले रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने कि भाई इस रूम में से बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है, सामने माउंटेन से इतने बड़े बड़े, ये देखो।
और भाई हमारे रूम की हालत दिखाऊँ ना मैं एक बार, ये देखना, ये उसका बैग है कल्लू का, ये मेरा बैग रखा, ये देखो खाना पीना सब यहीं फेंक रखा है। बाथरूम की हालत देखो, मतलब ये तो है भाई, लड़के भाई सफाई तो नहीं रख सकते, लड़के लड़के आते हैं जब, ये देखो जलेबी छोड़ रखी है कहीं कुछ है। चलो मिलवाते हैं दूसरे भाईयर से कि वो लोग क्या कर रहे हैं दूसरे रूम में। ये देखो इधर दो लोग और रेडी हो चुके हैं भाई, रेडी चलो फिर, चलो लेट हो जाएंगे। अरे चल ले हैं, चलो चलो, क्या कह रहे हैं जॉकी, क्या लटकी हुई है जॉकी ओके। तो गाइज ये है हडिम्बा टेंपल मनाली का, सबसे फेमस है क्योंकि जो ये बीच में लोकेटेड है बिल्कुल, जो मॉल रोड है, मॉल रोड से मुश्किल से होगा थोड़ा सा ही दूर। भाई साहब ये सारे असली लगा रखे हैं जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे असली है, कल्लू का भी यहीं टंगवा दे। तो गाइज अंदर अभी हम होके आ गए, वहाँ पे फोटो प्रोहिबिटेड थी तो इसलिए हमने फोटो अंदर करी नहीं। अभी यहाँ से मैं और चमन जाएंगे भाई नीचे, अपनी कुछ वीडियो शूट करेंगे, बड़े बड़े रील्स हमारे भाई यार कर रहे हैं ऊपर शूट, उनको मैं कह रहा हूँ आ जाओ, लाइन बढ़ती जा रही है भाई क्योंकि यहाँ पे लाइन है, अब टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे तो लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भाई ये बहुत ही पुराना मंदिर है यार, सच में बहुत पुराना मंदिर है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ना मैंने इसका, बहुत पुराना है भाई। तो ये है गाइज इनकी लोकल डिश, और भाई ये कुछ मोमोज टाइप सा था, पता नहीं अंदर कुछ अजीब सा था, मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आया इतना। लिया है हमने नीचे ने बोला राफ्टिंग कराया, जिसमें कि भाई साहब ने कर दी बिल्कुल साफ मना, भाई साहब आप मना क्यों, पानी बहुत ठंडा है, बहुत एक्सट्रीम ठंडा है। अब वहाँ जा रहा हूँ, पैर देखो उसको भाई, वे काला देखो कभी अलग नजर आ रहा है ऊपर का। आपका ना भाई, उसका उसका मारा वाला का भाई अपना पैर चेक कर रहा है भाई, राफ्ट यहीं लगा दी भाई ने, बोला किस तरह बैठ जाओ तुम, आ तो गई एक और राफ्ट आ गई वहाँ की। पर यार इसमें मज़ा यूँ नहीं है, जो ऋषिकेश में हमने करी थी ना उसमें हमें चप्पू मिलता है चलाने के लिए, और प्लस में भाई मतलब हम खुद से सारी चीज़ें करते हैं, इसमें ये अंदर बैठा देंगे जैसे वो बैठा रखे ना उसमें, ये देखो अंदर बैठो और फिर वो ही चलाएगा जो राफ्टर है, फिर क्या ही मज़ा, और फिर भाई कपड़े गीले हो जाएंगे सारे। ओह फोटो करवा ले तू। तो भाई अब हम निकल गए मणिकरण के रास्ते के लिए, और भाई इसके रास्ते बीच में बहुत ज़्यादा कच्चे आएंगे क्योंकि मैं एक बार पहले भी आया हुआ हूँ, तो भाई यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, पर जगह बहुत अच्छी है, अभी आगे देखते हैं लैंडस्लाइड भी मिल सकती है। ये देखो भाई यहाँ के रास्ते यार बहुत, पर ये है कि मनाली के रास्ते बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, इस रास्ते पर कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है ना, तो उस वजह से ये थोड़े ख़राब ही रहते हैं, क्योंकि कितना ही ठीक कर लो भाई, अब बार बार लैंडस्लाइड होगी तो गवर्नमेंट भी कितना ही ठीक कर देगी, तो प्रॉपरली रोड्स यहाँ पर डेवलप नहीं है अभी। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मणिकरण में, मणिकरण में भाई बताते हैं कैसा एक वो गर्म पानी का कुंड होता है, जो कि हमारे वहाँ पे भी वैसे सोना में भी, पर यहाँ पे भी है, तो और इसमें नहाने से मतलब नहाने के बाद इसमें बोलते हैं कि कोई भी चरम योग हो जो हमारे स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो देखते हैं भाई कैसा क्या है, पहली बार आए हैं पता भी नहीं था यहाँ के बारे में। मणिकरण होने के बाद वापस कसोल जाएंगे, और कसोल में आज स्टे करके फिर निकलेंगे उसके बाद हम अपने घर के लिए। लगा दिया पार्किंग में, और ये आ चुके हैं मणिकरण में, जो कि भाई मैंने आज तक सिर्फ वीडियोस में देखा है, आज पहली बार ऐसे लाइव देख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है भाई बहुत देख के। बाकी वहाँ से धुआं निकल रहा है, वो देख रहे हैं मेरे को किस चीज़ के लिए, ऐसा बोला जाता है कि ना यहाँ पे जो ये वाला कुंड है जो, ये तो बहुत गर्म है, इसमें हम नहा नहीं सकते, जो अंदर वाला है उसमें हम नहा भी सकते हैं, तो अंदर वाले में नहाऊँगा। और इसमें भाई ऐसा मतलब चावल के पैकेट बना बना के डाल देते हैं लोग बाग, जैसे कि चावल उबल जाए या पता नहीं ऐसे कुछ बताया है मेरे को अभी, पर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, अंदर जाके आप लोगों को भी तभी दिखाते हैं साथ साथ। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट है अपना मणिकरण का रास्ता, और भाई नीचे को अगर पानी का फ्लो दिखाऊँ ना तो गजब तेज फ्लो आ रहा है भाई साहब। वो आ रहा है अंदर से, गर्म पानी जो आ रहा है ना वो आ रहा है अंदर से, वहाँ से धुआं निकल रही है, वो अंदर से दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो वहाँ से अंदर से आ रहा है, और भाई साहब फ्लो देखो पानी का, यहाँ से तो दिख नहीं रहा अभी, इधर से दिखाता हूँ एक सेकेंड रुको। गाइज गरम कुंड पानी जहाँ पे मिलता है, मतलब कुंड के अंदर इसमें पूरे में गरम पानी है, और यहाँ से ये पाइप से आ रहा है बाहर से, सब लोग नहा रहे हैं अभी, मैं इसलिए उधर दिखा नहीं सकता। और सामने वॉशरूम्स बने हुए हैं, सामने रूम्स बने हुए हैं अगर ऊपर किसी को रहना है तो, ये रहे
और यहाँ पे भाई कोई चार्जेज नहीं, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ मतलब एसी वेसी रूम्स के हैं जो उनके चार्जेज है, बाकी नहीं है। और भाई पानी अच्छा खासा गर्म है, देखो सब लोग नहा रहे हैं। तरी हम अनाथ नाथ हर सरणी। तो गाइस ये है शिव जी का मंदिर जो कि बिल्कुल गुरुद्वारे के पीछे है, और इसमें भी वो गर्म कुंड है जिसमें राइस डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। और कुछ लोग उसमें सिक्के भी डाल देते हैं। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि सिक्के वगैरह नहीं डालने चाहिए, पर लोग सुनते नहीं है, वो फिर भी डाल देते। तो खड़ा है अभी हुआ है भाई, जब हम आया जेसी हुई तो। मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्त, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबकी दुआ से भाई बिल्कुल ठीक मस्त फुल फिट एंड फाइन है, मतलब इतनी सर्दी में आने के बाद ही भाई अभी तक तो हुआ नहीं है। और आज हमारा लास्ट डे हमें निकलना है घर के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सभी जगह घूम लिए भाई, कसोल, मनाली, रोहतांग और मणिकरण, मतलब जहाँ जहाँ घूम सकते थे सारी जगह घूम लिया। अब निकलेंगे भाई घर के लिए, क्योंकि सबको काम है अपने अपने, तो निकलेंगे भाई। मज़ा बहुत आया ट्रिप पे, बहुत इंजॉय किया। रात को भी हम, मैं और आकाश तो बल्कि 1-1.30 बजे तक घूमे यहाँ पे आराम से भाई माल रोड पे, ये देखने के लिए कि भाई क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या नहीं होता है। और बाकी दिखाता हूँ बाहर का वेदर अभी आप लोगों को। सबसे पहले ये सुबह सुबह का वेदर, ये अपने यहाँ से बालकनी से दिख रहा है, मस्त वाला वेदर। ये पार्क है भाई सामने बच्चों का, अभी के चेयर्स चेयर्स मार रहा था आपस में। चल भाई तू भी जल्दी, क्योंकि तूने नहाना है। भाई मैं हाथ पैर धो लूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। गाइस हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे भाई कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि वहाँ से चले थे सुबह तो कुछ इतना कुछ खाया नहीं था। अभी रुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई बर्गर वगैरह अपनी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। और वेदर भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ तक का तो बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं आगे कैसा मिलेगा, क्योंकि अपने वहाँ तो गर्मी मिलेगी, यहाँ का वेदर बढ़िया, क्योंकि अभी हमें चंडीगढ़ में। तो चलो आगे चल के फिर मिलते हैं।